हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं इंट्रोडक्शन एंड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ चैप्टर नंबर 14 दैट इज स्टैटिस्टिक्स। जो हम 10th के लिए स्टैटिस्टिक्स पढ़ेंगे उसमें हम तीन टॉपिक्स पढ़ेंगे स्टैटिस्टिक्स के, मीन, मीडियन एंड मॉड। दीज ऑल थ्रीज आर मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। अगर पहले से स्टार्ट करते हैं मीन, मीन फाइंड करना है, इट मींस हमें एवरेज फाइंड करनी है। मान लो हमारा जो हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर है पर मंथ, कभी 50,000 है, कभी 40,000 है, कभी 45 है, कभी 35 है, तो हमने कहा कि हमें पूरा निकालना है कि एक ईयर में हमारा एवरेज एक्सपेंडिचर कितना है। तो हम क्या करेंगे, वन ईयर में 12 मंथ्स है, हर मंथ का एक्सपेंडिचर अलग अलग है, कभी 50 है, कभी 45 है, कभी 30, कभी 35, कभी 48, उन सबको ऐड किया जो एक्सपेंडिचर है मंथली, डिवाइड किया टोटल नंबर ऑफ मंथ्स दैट इज 12, तो हमारे पास एक एवरेज एक्सपेंडिचर आ जाएगा कि पूरे साल में हमारा एक्सपेंडिचर कितना है। तो मीन क्या है, फर्स्ट हम स्टार्ट करेंगे मीन। मीन इज एवरेज, मीन का मतलब हमें क्या फाइंड करना है, एवरेज फाइंड करनी है। अब हमारे पास दो तरह के डाटा होते हैं, एक डाटा है अनग्रुप्ड और एक डाटा है ग्रुप्ड। जब हमें अनग्रुप्ड डाटा गिवन है और जब हमें ग्रुप्ड डाटा गिवन है, अनग्रुप्ड डाटा गिवन है इट मींस हमें फ्रीक्वेंसी गिवन नहीं है, ओनली टर्म्स आर गिवन हियर। जैसे कि हमने 50,000 दिया, 28,000 दिया, 50,000 एक मंथ में है, किसी और मंथ में भी एक्सपेंडिचर 50,000 हो सकता है, तो उसकी फ्रीक्वेंसी हो गई 2। तो जो अनग्रुप डाटा होगा उसमें हमें फ्रीक्वेंसी गिवन नहीं होगी। हम एक एग्जांपल लेके इसे सॉल्व करते हैं। लेट 20, 30, 15, 15, 10, 5, 5। मान लो ये 30 में से किन्हीं स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं, 7 स्टूडेंट्स के मार्क्स गिवन है हमें आउट ऑफ 30। अब मुझे एवरेज निकालनी है कि एवरेज मार्क्स कितने हैं, तो इस केस में मीन क्या होगा, दीज आर टर्म्स एज x1, x2, x3, x4, x5, x6, x7। तो मीन का फॉर्मूला होगा समेशन ऑफ एक्स आई अपॉन एन, एन इज द नंबर ऑफ टर्म्स, इन्हें ऐड करेंगे 20 प्लस 30 प्लस 15 प्लस 15 प्लस 10 प्लस 5 प्लस 5, और टोटल नंबर ऑफ टर्म्स एन है 7। तो ऐड करेंगे 10, 20 एंड 30, 50, 30, 80 एंड 20, 100 बाय 7, ये आ गया। इसे आप डिवाइड कर सकते हैं, 7 1s are 7, 3 7 4s are 28, 20 7 2s are 14, 6 7 8 are 56। तो एवरेज मार्क्स आ गए 14.28। तो ये तो केस है जब डाटा हमारे पास अनग्रुप्ड है। अब जब डाटा ग्रुप्ड है मींस हमें इंटरवल्स की फॉर्म में गिवन है, तो जैसे हमें कोई भी ये डाटा गिवन है, ये हमारे पास क्लास इंटरवल गिवन है, ये फ्रीक्वेंसी है। मान लिया 0 to 10 के बीच में मार्क्स आए 5 स्टूडेंट्स के, 10 टू 20 के बीच मार्क्स आए 4 स्टूडेंट्स के, 20 टू 30 आए 5 के, 30 टू 40 आए 6 स्टूडेंट्स के मार्क्स। तो इस केस में हम मीन कैसे फाइंड करेंगे, जब हमें इस केस में मीन फाइंड करना है तो सबसे पहले हम एक्स आई निकालेंगे दैट इज क्लास मार्क। क्लास मार्क किसके इक्वल होता है, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। लोअर लिमिट ये वाली लिमिट, अपर लिमिट दिस लिमिट डिवाइडेड बाय 2। जैसे 10 प्लस 0 10 बाय 2 5 30 बाय 2 15 50 बाय 2 25 70 बाय 2 35। इस तरीके से हम क्लास मार्क फाइंड करेंगे। अब ग्रुप्ड डेटा में हम तीन मेथड से जो है मीन को फाइंड कर सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन वैल्यूज ऑफ एक्स आई एंड एफ आई। अगर एक्स आई और एफ आई की वैल्यू स्मॉल है कि कैलकुलेशन इजी है,
तो हम डायरेक्ट मेथड अप्लाई करेंगे मीन का. उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला होगा. डायरेक्ट मेथड से मीन कैसे फाइंड करेंगे? मीन को हम मोस्टली एक्स बार से डिनोट करते हैं. समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई वेयर आई वेरीज फ्रॉम 1 to n नंबर ऑफ टर्म्स. ये हमने एफ आई फाइंड किया, एक्स आई फाइंड किया. एफ आई एक्स आई इन टर्म्स को मल्टीप्लाई करेंगे, इसका समेशन और समेशन ऑफ एफ आई. समेशन मीन्स सम. तो जो फाइंड करेंगे उसमें ये फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे. अगर हमारे पास एक्स आई की वैल्यूज जो है लार्ज है तो हम दो मेथड्स और यूज कर सकते हैं मीन को फाइंड करने के लिए. एक है स्टेप डेविएशन और दूसरा है शॉर्टकट मेथड या एज्यूम्ड मीन मेथड. तो दूसरा मेथड हम करेंगे एज्यूम्ड मीन मेथड. उसके लिए मीन फाइंड करने का हमारे पास फॉर्मूला है ए प्लस समेशन ऑफ एफ आई डी आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई वेयर डी आई इज इक्वल्स टू एक्स आई माइनस ए. अब ए एज्यूम्ड मीन क्या है? जो हमारे पास एक्स आई की टर्म्स आई उसकी मिडल वैल्यू को हम ए लेंगे. मान लो हमारे पास दो टर्म ऊपर हैं, दो नीचे, और जो ये मिडल वैल्यू है वो हो जाएगी मीन. अगर मिडल में दो वैल्यूज आती हैं, जैसे इस केस में है, तो आप ए को 15 भी एज्यूम कर सकते हो और 25 भी एज्यूम कर सकते हो. तो अगले स्टेप में इसमें एक स्टेप ये होने की बजाय डी आई हो जाएगा एक्स आई माइनस ए. ए हमने एज्यूम मीन जैसे फाइंड कर लिया 15, तो हम वैल्यूज पुट करके सॉल्व कर सकते हैं. फिर हमें निकालना होगा एफ आई डी आई, उसका समेशन, एफ आई का समेशन, ए एज्यूम्ड. नेक्स्ट मेथड है स्टेप डेविएशन मेथड. स्टेप डेविएशन मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड के लिए हमारे पास फॉर्मूला है ए प्लस समेशन ऑफ एफ आई यू आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई इंटू एच. अब यू आई क्या है? यू आई, अब हमारे पास डी आई की वैल्यूज भी आ गई. अगर डी आई में कोई कॉमन फैक्टर है, डी आई की वैल्यूज में कोई भी कॉमन फैक्टर है, तो हम उस फैक्टर से डिवाइड कर देंगे. जैसे अब हमने यू आई फाइंड करना है. नेक्स्ट स्टेप में यू आई इज इक्वल्स टू डी आई अपॉन एच, और एच इज क्लास साइज. जो भी इनमें कॉमन फैक्टर होगा, इस केस में कॉमन फैक्टर होगा, जो भी डी आई में कॉमन होगा वो होगा एच. मान लो हमारे पास यहाँ पे डी आई की कोई भी टर्म्स आती है 10, 20, 30, 40, तो इन सब में कॉमन फैक्टर है 10, तो एच हम मान लेंगे 10. तो यू आई हो जाएगा डी आई अपॉन एच. जो डी आई की वैल्यूज है उसको 10 से डिवाइड करेंगे. अगले स्टेप में आ जाएगा एफ आई इंटू यू आई, देन समेशन ऑफ एफ आई यू आई. नेक्स्ट स्टेप में आ जाएगा एफ आई इंटू यू आई, उसका समेशन एफ आई यू आई, सम ऑफ एफ. ए इज द एज्यूम्ड मीन, एच इज द क्लास साइज, जो भी इसमें कॉमन फैक्टर होगा वो. क्लियर? तो ये तो है मीन. और इन तीनों में से आप किसी भी मेथड से मीन फाइंड करोगे, आंसर हमेशा सेम होगा. अगर एक्स आई और एफ आई की वैल्यू स्मॉल है तो हम डायरेक्ट मेथड यूज करेंगे. अगर वैल्यूज लार्ज है तो आप एज्यूम मीन मेथड या स्टेप डेविएशन मेथड, दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हो. अगर डी आई में कोई कॉमन फैक्टर है तो आप स्टेप डेविएशन यूज कर सकते हो. इससे क्या होगा कि आपकी जो कैलकुलेशंस है वो इजी हो जाएगी. नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं मीडियन के बारे में. अब मीडियन क्या है? जैसा कि नाम से क्लियर है कि मिडल टर्म, मीडियन इज द मिडल टर्म. जो भी टर्म मिडल की होगी डेट विल बी द मीडियन. मीडियन को भी दो केसेस में डिस्कस करेंगे, व्हेन द डेटा इज अनग्रुप्ड एंड व्हेन द डेटा इज ग्रुप्ड. दो केसेस हैं. व्हेन द डेटा इज अनग्रुप्ड, फ्रीक्वेंसी गिवन नहीं है, हमें टर्म्स गिवन है 20, 30, 15, 15, 10, 5 and 5. अब अगर डेटा अनग्रुप्ड है तो हमें नंबर ऑफ टर्म्स चेक करनी होगी. यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स है 7, डेट इज ऑड.
अगर नंबर ऑफ टर्म्स ऑड है तो मीडियन के लिए फॉर्मूला अप्लाई करेंगे साइज ऑफ n प्लस 1 बाय 2th टर्म। जैसे इस केस में n कितना है 7, सो 7 प्लस 1 8 बाय 2 4th टर्म। एक बार जो मीडियन और मॉड के केस में बहुत जरूरी है, जब भी अनग्रुप्ड डेटा है मीडियन या मॉड फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमें डेटा को अरेंज करना होगा, या तो असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग में, वो आपकी मर्जी है। असेंडिंग में पहले छोटी टर्म देन बड़ी, तो ये हमने इसको अरेंज कर लिया। अब फोर्थ टर्म क्या है 15, देयरफोर इस केस में हमारे पास मीडियन क्या आया 15। क्लियर? अगर नंबर ऑफ टर्म्स ऑड है तो मीडियन का फॉर्मूला होगा साइज ऑफ n प्लस 1 बाय 2th टर्म, 7 प्लस 1 8 बाय 2 दैट इज 4th टर्म। और मीडियन और मॉड के केस में डेटा को अरेंज करना बहुत जरूरी है, अदरवाइज क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ये तो हुआ केस व्हेन नंबर ऑफ टर्म्स इज ऑड। नेक्स्ट केस लेते हैं व्हेन नंबर ऑफ टर्म्स इज इवन। हमने इसमें एक टर्म और ऐड कर दी 15, अब n हो गया हमारे पास 8 इवन। अगर नंबर ऑफ टर्म्स इवन है तो मीडियन के लिए क्या फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, साइज ऑफ n बाय 2th टर्म प्लस n बाय 2 प्लस 1th टर्म डिवाइडेड बाय 2, मींस मीन ऑफ दीज टू टर्म्स n बाय 2। n कितना है 8, 8 बाय 2 4th टर्म, 4 प्लस 1 5th टर्म डिवाइडेड बाय 2। डेटा को हमने अरेंज किया है 4th टर्म एंड 5th टर्म, 4th टर्म इज 15, 5th टर्म इज 15 डिवाइडेड बाय 2, सो 30 बाय 2। तो इस केस में मीडियन हमारे पास कितना आया 15। तो जब हमारे पास डेटा अनग्रुप्ड है, मीडियन फाइंड करने के लिए सबसे पहले डेटा को अरेंज करना है असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में, देन हमें चेक करना है नंबर ऑफ टर्म्स ऑड है या इवन है। नंबर ऑफ टर्म्स ऑड है तो ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, नंबर ऑफ टर्म्स इवन है तो ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो इससे हम मीडियन फाइंड करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास केस है जब डेटा हमारे पास ग्रुप्ड है। ग्रुप्ड है मीन्स इंटरवल्स की फॉर्म में गिवन है, क्लास इंटरवल है, फ्रीक्वेंसी है गिवन 0 टू 10, 10 टू 20, 20 टू 30, 30 टू 40, कुछ भी हो सकता है, फ्रीक्वेंसी 5, 4, 5, 6, मान लो कुछ भी हो सकता है। जब हमें मीडियन का फॉर्मूला अप्लाई करना है, मीडियन का फॉर्मूला अगर कॉन्टिन्यूस इंटरवल है, डेटा इज ग्रुप, देन इज एल प्लस एन बाय 2 माइनस कमुलेटिव फ्रीक्वेंसी अपॉन फ्रीक्वेंसी इंटू एच। तो ये हमारे पास मीडियन का फॉर्मूला होता है, एल प्लस एन बाय 2 माइनस कमुलेटिव फ्रीक्वेंसी अपॉन फ्रीक्वेंसी इंटू एच। अब कमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है, फ्रीक्वेंसी तो ये है, क्लियर? अब ये फ्रीक्वेंसी है, कमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हम कैसे फाइंड करेंगे इनको ऐड करके। पहली टर्म एज इट इज 5 प्लस 4 9, 9 प्लस 5 14, 14 प्लस 6 20। इस केस में हमें जो एक टर्म ध्यान में रखनी है, जो सम ऑफ फ्रीक्वेंसी होगा और कमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की लास्ट टर्म होगी वो इक्वल होगी। अब n बाय 2, दिस इज n 20, 20 बाय 2 आया हमारे पास 10। अब हम कैसे फाइंड करें कि l क्या है, ch क्या है, f क्या है और h क्या है, इसके लिए हम करते हैं। इस केस के लिए सबसे पहले हमें n बाय 2, n मीन्स समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी, उसको 2 से डिवाइड किया तो हमारे पास इस केस में क्या आया 20 बाय 2 दैट इज 10। फिर हमने कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कॉलम में 10 या उससे बड़ी टर्म देखनी है दैट इज 40। तो यहां से हमारे पास मीडियन क्लास आ जाएगी, क्या है मीडियन क्लास 20 टू 30
मीडियन क्लास आ गई, यहाँ से एच क्लास साइज आ जाएगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट डेट इज 10। सीएफ आ गया, फ्रीक्वेंसी हमारे पास क्या आई, जो सीएफ होगा मीडियन क्लास से जो ऊपर वाली टर्म होगी वो लिया जाएगा डेट इज 9, और फ्रीक्वेंसी मीडियन क्लास की ही ली जाएगी डेट इज 5। अब हम लोअर लिमिट क्या आई मीडियन क्लास में से 20, तो हमारे पास सभी वैल्यूज है, एल मिल गया, एन बाय टू मिल गया, सी एफ मिल गया, एफ मिल गया, एच मिल गया, हम फॉर्मूला में पुट करेंगे और वैल्यूज फाइंड करेंगे। मीडियन के केस में ग्रुप डाटा में एक और इम्पॉर्टेंट चीज है, अगर हमारे पास कॉन्टिन्यूस इंटरवल की फॉर्म में जो इंटरवल्स है वो लेस देन या मोर देन टाइप में गिवन है, अगर हमारे पास जो इंटरवल है लेस देन या मोर देन की टाइप में गिवन है तो जो हमें फ्रीक्वेंसी गिवन होगी वो फ्रीक्वेंसी गिवन ना होके कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी गिवन होगी और हम सब्ट्रैक्ट करके फ्रीक्वेंसी फाइंड करेंगे। ये बात को आपने हमेशा ध्यान रखना है, अगर हमें जो इंटरवल्स है लेस देन या मोर देन की टाइप में गिवन है तो जो हमें गिवन होगी वो सी एफ गिवन होगी, एफ गिवन नहीं होगी। क्लियर, ये हो गया मीडियन के लिए। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं मॉड। मॉड के लिए भी दो तरीके से मॉड होगा, अनग्रुप डेटा के लिए और ग्रुप डेटा के लिए। अनग्रुप डेटा और ग्रुप्ड डेटा, मॉड क्या है, मॉड इज द वैल्यू विच रिपीट्स मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइप्स। हमारे पास अनग्रुप डाटा है 5, 5, 10, 15, 15, 15, 20 एंड 30। मॉड वो वैल्यू है जो मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट होती है, ये क्या है 15 थ्री टाइम्स आ रहा है, तो इस केस में जो मॉड होगा डेट इज 15। मॉड इज द टर्म विच रिपीट्स मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स। अब अगर हमारे पास जो डेटा है ग्रुप्ड डेटा है तब मॉड क्या होगा, मीन्स हमें क्लास इंटरवल्स गिवन है, फ्रीक्वेंसी गिवन है 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, कुछ भी गिवन है 40 to 50, और फ्रीक्वेंसी गिवन है 5, 10, 15, 9, 8। जब हमने मॉड फाइंड करना है ग्रुप्ड डेटा के लिए, मॉड का फॉर्मूला हमारे पास क्या है, L प्लस एफ वन माइनस एफ नॉट, टू एफ वन माइनस एफ नॉट माइनस एफ टू इंटू एच। मॉड फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमने मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी देखनी है, ये होगी हमारी एफ वन, और इससे प्रोसीडिंग क्लास इंटरवल की होगी एफ नॉट, और सक्सीडिंग क्लास इंटरवल की होगी एफ टू। यहां से हमें मॉडल क्लास मिल गई 20 to 30, मॉडल क्लासेस 20 to 30। एच मिल जाएगा क्लास साइज, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 30 माइनस 20 डेट इज 10। एफ वन मिल गया 15, एफ नॉट इज 10, एफ टू इज 9, लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास इज 20। सारी वैल्यूज हमारे पास आ गई, तो हम फॉर्मूला में पुट करेंगे और मॉड की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं इन केस ऑफ ग्रुप डेटा। तो इसके बाद एल यहाँ पे लोअर लिमिट है मॉडल क्लास की, एफ वन इज फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास, एफ नॉट फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रोसीडिंग मॉडल क्लास, एफ टू फ्रीक्वेंसी ऑफ सक्सीडिंग मॉडल क्लास, एच इज द क्लास साइज। तो वैल्यूज पुट करेंगे तो हमें मॉड की वैल्यू मिल जाएगी। नाउ हमारे पास मीडियन मॉड और मीन में रिलेशन होता है, मीन इज इक्वल्स टू 3 median माइनस मॉड इज इक्वल्स टू 3 median माइनस 2 mean। अगर किसी क्वेश्चन में हमें तीनों चीजें फाइंड करनी है मीन मीडियन एंड मॉड, तो आप कोई भी दो टर्म्स फाइंड करके इस फॉर्मूले में पुट करोगे तो हमारे पास तीसरी टर्म मिल जाएगी। और हमारे पास जो क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं ऑजाइव से मीडियन की वैल्यू फाइंड करनी, जब भी हमें ऑजाइव बनाना है अगर हमें कंटिन्यूअस इंटरवल गिवन भी है तो उसे
हमें गिवन होगा कि मोर देन टाइप का बनाना है या लेस देन टाइप का बनाना है, 0 टू 10, 10 टू 20, 20 टू 30, 30 टू 40। अगर हमें लेस देन टाइप का बनाना है और अगर हमें कंटीन्यूअस इंटरवल गिवन है तो फ्रीक्वेंसी ही गिवन होगी, सीएफ गिवन नहीं होगी। तो लेस देन तो हम अपर लिमिट लिखेंगे, लेस देन 10, लेस देन 20, लेस देन 30, लेस देन 40। सपोज इट इज 5, 4, 5, 6। सीएफ फाइंड करनी है तो ऐड करेंगे 5 + 4, 9 + 5, 14 + 6, 20। जब हम लेस देन टाइप का ऑजाइव ड्रॉ करेंगे, एक्स एक्सिस के अलोंग हम जो क्लास इंटरवल है वो लेंगे, जैसे लेस देन 10, लेस देन 20, लेस देन 30, लेस देन 40। वाई एक्सिस के अलोंग लेंगे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। जब भी लेस देन का जो ऑजाइव बनेगा वो नीचे से ऊपर बनेगा। अगर मुझे इसी केस में मोर देन का ऑजाइव ड्रॉ करना है तो मोर देन 0, मोर देन 10, मोर देन 20, मोर देन 30, ये होगा। एक बात और जो बहुत ध्यान रखने वाली है, मोर देन के केस में जब हमने सीएफ फाइंड करनी है तो जो सम ऑफ फ्रीक्वेंसी होगा पहले वो टर्म लिखी जाएगी, जैसे सीएफ इसमें लिखी जाएगी पहले 20, देन सीएफ लिखी जाएगी 20, देन माइनस होगा 20 - 5 = 15 - 4 = 11 - 5 = 6। इस तरीके से लिखी जाएगी। मोर देन के केस में जो सम ऑफ फ्रीक्वेंसी होगा वो सीएफ की फर्स्ट वैल्यू होगी और मोर देन के केस में जो ग्राफ है ऊपर से नीचे आएगा। अगर हमें मीडियन ड्रॉ करने के लिए कहा है ग्राफ से तो यहाँ पे ये दोनों कर्व्स लेस देन टाइप और मोर देन टाइप इंटरसेक्ट करती है, वहां से हमें मीडियन की वैल्यू फाइंड होगी। जो ये वैल्यू होगी एक्स एक्सिस पे वो हमें